हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर टुडेस मैथ्स क्लास। यस स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट आर पैटर्न्स एंड व्हाट आर सिमेट्रिक। यस, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 5B एंड 5C। व्हिच एक्सरसाइज? यस, 5B एंड 5C। इन दिस एक्सरसाइजेस वी आर गोइंग टू लर्न स्लाइड, ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 148 इन दैट एक्सरसाइज 5B। यस, एक्सरसाइज 5B एंड पेज नंबर 148। ओके, ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 148। स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लिप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्निंग। यस, so our question number 1 is draw as directed. Now in that number A is slide 3 times. हमें ये जो figure है उसको 3 times slide करना है। अब sliding का meaning हमें पता है, to move the object straightly without changing its shape. सिर्फ उसको धक्का मारना है और उसके shape में कोई भी change नहीं आना है, नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी फिगर हमको दिया है वही हम 3 बार उसको रिपीट करेंगे। यस, किया ये लाइन हमने, फिर उसको ऐसे किया, अब उसको थोड़ा स्लिपिंग लाइन बनाएंगे हम, फिर ये कॉर्नर तक लेके आएंगे उसको और ऐसे उसे ज्वाइन कर देंगे। यस, तो हमें इस तरह से ये फिगर
ड्रॉ 3 बार करना है। ओके अब ये हमें एक एरो दिया है, तो एरो को भी हम 3 बार फ्लिप करेंगे। तो अभी ये राइट साइड एरो जा रहा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड जाएगा, फिर अगेन राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड। ओके यहाँ पर राइट साइड एरो जा रहा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड आएगा, अगेन राइट साइड देन लेफ्ट साइड। ओके नाउ टर्न इट डाउन ट्वाइस। अब इसको दो बार उसको घुमाना है, टर्न करना है। अभी ये यहाँ पर है, अब उसको जब दूसरी बार घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, और जब उसको तीसरी बार घुमाएंगे तो ये शेप ऐसे बन जाएगा। ओके और हम यहां पर कलर कर देंगे। मैंने एक में कर दिया है, अब दूसरे में आप लोग कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंटिन्यू द टेसिलेशन पैटर्न इन ईच केस। स्टूडेंट्स हमने टेसिलेटिंग का मीनिंग समझ लिया था, उसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी शेप को फिट करना और वो दोनों के बीच में कोई हमें गैप नहीं रखना है। जैसे कि हम फ्लोरिंग करते, जब नया घर बनाते तो नीचे फ्लोरिंग करते तो तब हम टाइल्स लगाते हैं। तो आपने देखा होगा आपके घर में, स्कूल में, हर जगह पर कि जब टाइल्स हम लगाते हैं तो जब टाइल्स लग जाती है तो क्या दो टाइल्स के बीच में हम जगह रखते हैं? नहीं। तो उसको हम कहते हैं टाइलिंग और दूसरा है टेसिलेटिंग। ओके अब हमें ये पैटर्न कंटिन्यू करना है। देखो यहां पर पहले दो किया है, फिर ऊपर, फिर साइड, फिर नीचे, वही पैटर्न कंटिन्यू हुई है। देखो यहां पर लेफ्ट साइड आ रही है, इधर अपर साइड, राइट साइड एंड डाउन साइड। अब यहां पर लेफ्ट साइड में है तो हम ऊपर के दो में कलर करेंगे ऐसे, यस ऐसे कलरिंग कर देंगे ये दोनों बॉक्स के अंदर हम आराम से करेंगे ताकि कुछ बाहर ना निकले। ओके अब हमने ऊपर कर दिया है तो राइट साइड करेंगे दो टाइल्स में, अब हम नीचे के दो टाइल्स में करेंगे। ओके ऐसे कंटिन्यू करना है। अब बाकी के आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, ठीक है। दिस ए क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज, दिस बी सी एंड डी। ओके ये सब आपको घर पे कंप्लीट करना है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5C। अब हमें यहां पर नंबर पैटर्न दी है, अब तक हम जो पैटर्न्स कर रहे थे वो शेप्स का था, अब यहां पर नंबर के पैटर्न है। यस तो आप एक ऑब्जर्व करोगे तो हमें कुछ पैटर्न दिखाई देगी। यहाँ की पैटर्न क्या है, 9 × 9 + 7 = 88। ओके दूसरी, 98
मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 888। देखो यहाँ पर पहले 9 था, अब दूसरे स्टेप में ये 9 और उसका प्रीवियस नंबर 98। यहाँ पर 7 था, उसकी जगह पर एक माइनस कर दिया, तो 7 माइनस 1 इज 6। एक नंबर माइनस किया तो 6 आ गया। यहाँ पर डबल 8 था, यहाँ पर ट्रिपल 8 हो गया है। तीसरे स्टेप में क्या किया है, 987 मल्टीप्लाई बाई 9, अभी 6 में से एक कम तो 5, यहाँ पर ट्रिपल था तो यहाँ पर 4 टाइम्स आ गया। अब हमें इसे दूसरी कंप्लीट करनी है। यस, सो 987, अब 9876 यस मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 का प्रीवियस नंबर 4, यहाँ पर 4 टाइम्स 8 है तो हमें कितनी बार लिखना है, 5 टाइम्स। कितनी टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। यहाँ पर हमने 9876, तो दूसरे स्टेप में 6 के पहले कौन सा नंबर आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 4 के पहले वाला नंबर होता है 3। यस, सो 9 8 7 6 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 3। अब यहाँ पर हमने 5 टाइम्स 8 लिखा था तो अब कितनी बार लिखेंगे, 6 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। यस, 9 8 7 6 5, तो उसका प्रीवियस नंबर अब क्या होगा, 4। तो 4 तक जाएंगे पीछे, 9 8 7 6 5 4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस, अब 3 का प्रीवियस नंबर 2, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितनी बार 8 आया था, 6 टाइम्स। अब हमें कितनी टाइम्स लिखना है, 7 टाइम्स। कितनी टाइम्स लिखेंगे, 7 टाइम्स। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके, 9 8 7 6 5 4। तो दूसरा स्टेप कहाँ तक ले जाएंगे, 3 तक पीछे तक जाएंगे, 9 से, सो 9 8 7 6 5 4 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 का प्रीवियस नंबर 1। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कितनी बार 8 लिखा था, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमें 8 को कितनी बार लिखना है, 8 टाइम्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, तो ये हमारी पैटर्न थी। अब बाजू में दूसरा दिया है हमें, वन मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। अब 1 के बाद इधर क्या लिखा है, 2, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 102। तो यहाँ पर 1, फिर इधर आ गया 12, इधर 1 के बाद 2, तो 10 का सीधा क्या हो गया, 110। अब 12, फिर 1, फिर 1 2, फिर 1 2 एंड 3, 1 2 3। यहाँ पर एक ही बार 1 था, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार। अब 123, तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4, यहाँ पर 3 बार 1 है तो यहाँ पर कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स, और पीछे 0। ओके, अब वही पैटर्न हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर 1 था, फिर इधर 1 2, इधर 1 2 3, बाद में हमने क्या लिखा, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 11, यहाँ पर 111, यहाँ पर 1111, मतलब हर जगह पर कुछ कुछ इंक्रीज हो रहा है, ये पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा तो अब कहाँ तक जाएंगे, 5 तक मल्टीप्लाई बाय 9, यहाँ पर लास्ट में 5 था तो इधर प्लस 5। अब 5 टाइम्स 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 टाइम था, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर 3 टाइम्स, यहाँ पर 4 टाइम्स, अब 5 टाइम्स 1, सो 1 2 3 4 5, और पीछे 0। अब हमने 5 तक लिखा तो दूसरे में 6 तक जाएंगे, सो 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस क्या करेंगे, 6। अब 6 टाइम्स 1, सो 1 2 3 4 5 6 एंड पीछे 0। ओके, आया समझ में सबको ये पैटर्न हम कैसे फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर 6 तक गए थे, अब 7 तक जाएंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 7,
अब वन को हम कितनी बार लिखेंगे, सेवन टाइम्स. सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और पीछे जीरो. यहां पर हम सेवन तक गए तो दूसरे स्टेप में कहां तक जाएंगे, एट तक. सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मल्टीप्लाई बाय नाइन प्लस एट. अब एट टाइम्स वन लिखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और पीछे जीरो. लास्ट में उन्होंने नाइन तक किया है. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू हाउ द पैटर्न इज फॉलोड. ओके, नाउ टर्न योर पेज एंड कम टू पेज नंबर 150. सी एंड डी इज योर होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, आई होप you all of you understood those both exercises of flip, turn and slide and the various number patterns.